दो मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगी बिल्कुल, देखो। और पनीर भी रहेगी, वो भी रस्सी वाली सब्जी। ये कैसी रोटी है? खा के देखो तब बताना। तो खा के देखो। गुड मॉर्निंग गाइज, और ये संडे मॉर्निंग हो रहा है। मैं जो है वो नाश्ता बनाने के लिए आई थी, लेकिन सबका डिमांड था कि आज जो है वो पनीर का ही कोई आइटम होगा। सबसे पहले तो मेरे बेटा ही जो है वो बोला क्या कि मम्मा आज कुछ ना अच्छा बनाना, बहुत दिनों से जो है वो पनीर की अच्छी सब्जी नहीं बनी है। तो मैंने भी जो है वो आज सोचा क्या कि पनीर पहले से मैंने ला के रखा था, तो इसे मैंने जो है ये टुकड़ों में काटा है, मतलब ट्राइंगल शेप में। थोड़ी सी दही जो मैंने जमाई थी, थोड़ी पतली सी दिखी होगी, घर का होममेड दही था इसीलिए, तो कोई बात नहीं, मेरी से थोड़ी सी पतली हो जाती है क्योंकि यहाँ का दूध ही जो है वो एकदम नकली आता है, इसीलिए थोड़ा सा नमक मैंने इसमें दिया है। और फिर अच्छे से मिलाऊंगी, थोड़ा सा जीरा पाउडर दिया था और थोड़ा सा जो है गरम मसाला, और जो आप अपना लाल मिर्च भी दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि मैं ना यहाँ वाइट वाली जो है वो पनीर बना रही हूँ, तो इसमें मैं जो है कोई भी ऐसा लाल वाला चीज़ नहीं देना चाहती हूँ। थोड़ी सी ये जो थी अदरक और ये लहसुन का पेस्ट था वो मिला के साइड रख दी हूँ। और अभी जो है चलिए जल्दी से जो है वो पैन चढ़ा दिया, और उसमें धीरे धीरे जो आधा घंटा जो है वो लग गया होगा क्योंकि मैं बाकी का काम भी जो वो करने चली गई थी। और ये इसे ना पूरी मैं जो है बटर में ही बनाऊंगी, टेस्ट अच्छा आता है बटर डाले तो। थोड़ा सा उसमें आप घी भी डाल सकते हैं क्योंकि घी का भी जो है वो टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो मेरे पास इसे बटर था, तो मैं बटर पे ही जो है उसको तलूंगी। जब तक वहाँ तलने का काम होता है तब तक ये जो है ना वो खसखस है, हम लोग तो पोस्तूदाना कहते हैं, तो ये माता जी मुझे दी थी, मतलब जब मैं आ रही थी तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा, तो इसे मैं ना फूलने के लिए रख दूँगी थोड़ा सा कि ये फूल जाए अच्छे से, और फिर मैं इसे जो है वो पीस लूँगी। पीसना मिक्सी में ही है क्योंकि मेरे पास वो ना सिलबट्टा है नहीं जिसमें वो फाइन ग्राइंडिंग हो सके, इसीलिए। तो जितने भी पनीर था मैरिनेट करके जो मैंने पहले ही रख दिया था, उसको जो है वो इसमें डाल दूंगी धीरे धीरे करके, लेकिन इससे पहले जो है वो थोड़ा सा मसाला फ्राई कर लेती हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। खड़े मसाले मैंने सब डाले हैं, दो हरी मिर्च है, दो लाल मिर्च है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, एक तेज पत्ता है, और दो जो है वो लौंग थे, एक बड़ी इलायची थी, एक छोटी इलायची थी, और साथ में जो है वो थोड़ा सा जो है जावित्री, ये सारी चीज़ मैं जो है वो दे दूँगी धीरे धीरे करके, जो है ना वो हल्का सुनहरा होने तक जो है उसे एकदम जो है वो पकाना है, मतलब जब तक वो आराम अच्छे से जो है वो उसकी ना एक बहुत अच्छी खुशबू जो है वो आने लगेगी। थोड़ा सा लहसुन था वो भी मैंने दे दिया, और अच्छे से जब ये हो जाए तो प्याज जो है इसमें डाल देंगे। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक नहीं किया है क्योंकि इसका पेस्ट बनने वाला है, तो बिल्कुल थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, चलेगा कोई बात नहीं, मतलब अनइवन ही काटा था, तो इसको जो है इसे भी डाल दूंगी। इसमें थोड़े से मैं खरबूजे की बीज भी डालूंगी ताकि पेस्ट जो है ना बिल्कुल वाइट रखना है इसीलिए। और इसके साथ मैं ना कुछ जो है काजू, इसे भी मैंने पानी में बॉईल किया था क्योंकि पेस्ट बिल्कुल वाइट रखनी है, वाइट ग्रेवी वाली पनीर बनेगी इसीलिए। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रेड कर दे वो नहीं डालिए। लाल मिर्च तो मैंने थोड़ा सा तीखा के लिए, और साथ में मैंने गोल की भी डाली है, मतलब काली मिर्च जो होती है ना वो डाली है, पेस्ट भी दूंगी। इसे मैंने छान लिया, ये खसखस जो है उसको दे दूंगी, थोड़ा सा जो है ना वो उसमें भुन जाएगा, मतलब सबको जो है वो जितने भी मसाले हैं मैंने थोड़े थोड़े जो है उसको डाले हैं, आँच बिल्कुल धीमी रखी है, और वो धीरे धीरे जो है वो पक जाएगा, वैसे ही पक जाएगा।
मैं यहाँ एक दो तीन टुकड़े रख ली हूँ कि बाकी जो है यूज़ करने में आ जाएगा। और ये बिल्कुल जो है वो भून चुका है, हल्का किया था। देखिए ये जो है ना वो एकदम वाइट वाइट ही है, प्याज ज़्यादा भुनना नहीं है, मतलब एकदम वाइट ही रखनी है। थोड़ी सी नमक डाली हूँ ताकि ग्रेवी में जो है वो नमक आ जाए और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा बाकी सारे चीज़। और इसको मैं ढक दूँगी। मैंने जो है ना पहले ही उसे बंद कर दिया था, गैस बहुत पहले बंद कर दिया था, पंखे में इसे छोड़ दूँगी। ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी में डाल के इसको जो है वो पीस लूँगी। ये बिल्कुल जो है ना वो एकदम ठंडा हो चुका है तो इसे मिक्सी में डालते हैं और इसका दरदरा पेस्ट बनाएंगे। मतलब वैसे ही जो है वो ये पेस्ट जो है महीन हो जाएगा, लेकिन इस तरह का कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, ये इस तरह का, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। तो बहुत अच्छा जो है वो फाइन जो है वो पेस्ट भी बन गया है। अब जो पहले से मैरिनेट किया हुआ पनीर था उसे एक एक करके जो है वो डालते जाऊंगी और वो फ्राई होते जा रहेगा। गोल्डन कलर लाना है बिल्कुल अच्छे से, उसके ऊपर ना एक परत जो है वो गोल्डन कलर हो जाएगा। ज़्यादा जलाना नहीं है, बस किसी किसी को तो वैसे ही अच्छा लगता है तो वैसे ही खा सकते हैं। मैं तो थोड़ा गोल्डन कर लूँगी क्योंकि बच्चों को जो है वो थोड़ा सा जो है ना वो फ्राई हो जाता है तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। सारे ऑलमोस्ट जो है वो फ्राई हो ही गए हैं, इसे निकाल लेती हूँ। और उसके बाद इसी मतलब इसी पैन में जो है थोड़ा सा और बटर डाल के वो जो मैंने पेस्ट डाला था बनाया था मिक्सी अभी पीसा था वो पेस्ट डाल दूँगी और इसको तब तक चलाते रहूँगी जब तक ये जो पैन जो है वो तेल जो है वो छोड़ ना दे। और वैसे भी बहुत अच्छा से जो है ये पक गया है। अब थोड़ा सा जो है ना वो कसूरी मेथी फ्राई कर लेंगे, गरम कर लेंगे क्योंकि बरसात का मौसम है ना तो ये मॉइस्चर आ जाता है इसमें, तो ये भी गरम कर लेने से भी जो है वो बहुत सुंदर जो है ना इसका टेस्ट आ जाता है और ये थोड़ा सा जो है वो उसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल थोड़ा ही देंगे क्योंकि ज़्यादा देने से ना कड़वाहट आ जाएगी, इसीलिए तो मैं बिल्कुल बारीक करके जो है इसमें मिला दूँगी। और जो बचा हुआ था मिक्सी में लगा हुआ था वो पानी उसमें धीरे धीरे करके मिला दूँगी। एक बॉईल आते ही जो पनीर जो निकाला था मैंने फ्राई करके वो उसमें एक एक करके डाल दूँगी। ज़्यादा आपको पकाना नहीं है, नहीं तो पनीर जो है ना वो फिर फट फट जाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा और थोड़ा सा काली मिर्च जो है ऊपर से आप दे दें, गरम मसाले दे दें। और एक जो मैंने बचा हुआ जो मैंने रखा था ना एक टुकड़ा पनीर का वो लास्ट में थोड़ा सा जो है कर देंगे, उससे थिकनेस आ जाएगी पूरी आपकी ग्रेवी में और ये बिल्कुल बन के जो है वो तैयार हो गया है। लास्ट में मैं थोड़ा सा नमक भी दे रही हूँ, मैंने मसाले में भी थोड़ा नमक दिया था इसीलिए थोड़ा सा नमक दे रही हूँ। थोड़ा सा ये तो बन के तैयार हो गई गाइस। अब बारी है रोटी बनाने का, तो मैं ना अभी जो है वो एक राजस्थानी तरीके से जो है वो बनाऊंगी क्योंकि मैं ना रेस्टोरेंट गई थी तो इस तरह का रोटी मैं खाई थी तो बहुत टेस्टी आया था, मतलब लगा था वो भी ये सफ़ेद ग्रेवी वाली पनीर के साथ ही ये रोटी हमने खाई थी। तो इसको कोई नहीं, थोड़ा सा जो है ना नॉर्मल रोटी से मोटा जो है वो बनाना पड़ेगा और एक तरफ ना हल्का केवल गर्म करके उलट देना है और दूसरी तरफ इस तरह हाथ से आप कर दोगे ना तो ये बिल्कुल देखिए इस तरह धारीदार पुल बिल्कुल जो है वो बन के तैयार होगा। और ये रोटी में ना घी ही दिया जाता है क्योंकि ये मोटी होती है और मैंने जो है ना रोटी का जो आटा जो है ना उसमें थोड़ा सा मतलब मोइन दिया था, बिल्कुल नाम मात्र मोइन दिया था और अजवाइन दिया था, काला जीरा दिया था, नमक हल्का दिया था
और देखिए ये रोटी बनके तैयार हो गई है। अब बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। और ख़ासकर जो है वो इस तरह की ग्रेवी, वाइट ग्रेवी वाली, अगर आप पनीर बनाते हो या फिर किसी के साथ भी ये जो रोटी जो है बहुत टेस्टी बनेगा। मैंने इसका शॉर्ट्स भी बनाया था वो बहुत पहले, क्योंकि ये सेकेंड टाइम मैं बना रही हूँ। उस दिन भी सब ने बहुत पसंद किया था, इसीलिए तो डेकोरेट कर ली हूँ। अब जो है जा रही हूँ सर्व करने के लिए। लेकिन जाते जाते निकू ने बोला क्या कि मुझे मिर्ची भी चाहिए, और साहब भी जो है वो हरी मिर्ची के साथ ही खाते हैं, क्योंकि मैंने ना अभी जो है वो उतनी तीखी नहीं बनाई थी नन्नू के लिए ही। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। ये कैसी रोटी है? खा के देखो तब बताना। तो खा के देखो, टेस्ट है। मिर्ची भी है ग्रीन। कैसा टेस्ट है? हाँ, आज का लंच खा के ना सब इतना जोर से सोया है कि शाम हो गया लेकिन उठने का नाम नहीं। शाम के हो रहे हैं 6 बजे, नन्नू तो उठ ही नहीं पा रही है बिल्कुल, और निकू की हालत देखिए। निकू, आज का इतना शानदार तुमने जो है राजस्थानी पराठा खाया था, हैं? पहले तो ये बोला ना, मम्मा इतना मोटा मोटा पराठा नहीं खाऊंगा। जब खाया ना तो बोलता है ना कि मम्मा इतना टेस्टी ना कि मत पूछो। चलो खड़ा हो जाओ, फिर ये सब्सक्राइबर बोलेंगे क्या कि सब जो है वो मम्मा ही बोल रहे हैं। निकू सोचो, इतना टेस्टी तुमने आज का लंच किया है। टेस्टी था ना लंच आज का? तुमको लगा था ना कि मम्मी क्या पराठा बना रही, इतना मोटा मोटा सा लेकिन टेस्टी था। गाइस हो गया है शाम, अब जा रही हूँ मैं संध्या देने के लिए, और बहुत सारे बर्तन यहाँ पे रखे हुए जो मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि नाश्ता कर खाना सॉरी जो लंच करके सब सोए हैं ना, तो अभी सब जो है वो उठे। मैं तो चाय भी बना के पी ली हूँ। तो ये छोटा सा ब्लॉग था जो हमने आपके साथ शेयर किया, आई होप आपको पसंद आया। अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग में, तो कल आपसे बात करते हैं। तब तक आप लोग जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बारिश लगातार जो है नोएडा में हो ही रहा है, आज तो सुबह से ही जो है वो बारिश पूरा एकदम जो लगाए हुए है, इसीलिए तो मिलते हैं कल आपसे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, बाय बाय।